कर रहे थे राष्ट्रपति के पद के बारे में, और हमने कहा था क्या कि राष्ट्रपति का पद संवैधानिक पद है। क्या उस पद को कभी भी हटाया जा सकता है? नहीं। और हमने यह समझाया कि जो राष्ट्रपति के पद की चर्चा है, जो राष्ट्रपति के पद की चर्चा है, यह पद कैसा है? तो संवैधानिक पद है। राष्ट्रपति का पद कैसा है? तो संवैधानिक है, इसको कोई हटा नहीं सकता है। उसके बाद हमने कहा था कि राष्ट्रपति के जितना भी काम होता है देश में, उस सब के सब काम किसके नाम से होता है? तो राष्ट्रपति के नाम से होता है। तो हम आपको आर्टिकल 52 के बारे में समझा दिए थे कि राष्ट्रपति के पद की चर्चा किस में है, तो अनुच्छेद 52 में है, और अनुच्छेद 53 में क्या है मेरे भाई? तो राष्ट्रपति के नाम से होगा, जितना भी कार्य होगा वह सब के सब कार्य किसके नाम से होगा? तो सब के सब कार्य राष्ट्रपति के नाम से होगा। अब यही ना चर्चा किए थे हो। उसके बाद हम यह समझाए थे कि 53 का एक यह कहता है कि राष्ट्रपति अपना कार्य खुद करेंगे या अपने से नीचे वाला से काम करवाएंगे। अनुच्छेद 53 का एक कार्य कहता है कि राष्ट्रपति है जो ना, वह राष्ट्रपति अपना कार्य, वह अपना कार्य खुद करेंगे या राष्ट्रपति अपने से नीचे वाला से काम करवाएंगे, अपने से नीचे वाला से, अपने से नीचे वाला से, यही ना समझाते हो। और उसके बाद क्या समझाते अनुच्छेद 53 के 2 में कि राष्ट्रपति तीनों सेना का प्रमुख होता है। तीनों सेना में कौन कौन था? थल सेना, उसके बाद जल सेना, और उसके बाद वायु सेना। तो थल सेना, जल सेना, वायु सेना, ये तीनों का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। ये तीनों का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। और इस तीनों का प्रमुख अगर राष्ट्रपति होता है तो इसकी चर्चा हमारे संविधान के अनुच्छेद 53 के 2 में। तो हाँ, ख भी कह सकते हैं। तो आप इतना बात समझ गए कि राष्ट्रपति का पद कभी भी खाली नहीं रहेगा या राष्ट्रपति के पद को कभी हटाया नहीं जा सकता है। इस बात की चर्चा भारत की संविधान के अनुच्छेद 52 करता है, और अनुच्छेद 53 कहता है कि भारत में जितना भी कार्य होगा वह राष्ट्रपति के नाम से होगा। 53 का एक कहता है कि राष्ट्रपति अपना कार्य खुद करेंगे या अपने से नीचे वाला से काम करवाएंगे। और आपको याद होना चाहिए कि कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस सब के सब आता है कि नहीं आता है? लेकिन भारत के संविधान का प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति। कार्यपालिका के प्रमुख कौन है? प्रधानमंत्री है कि ना है? तो कार्यपालिका के प्रमुख पूछेगा तो राष्ट्रपति ना होके प्रधानमंत्री, संवैधानिक प्रमुख पूछेगा तो राष्ट्रपति, देश का प्रथम नागरिक पूछेगा राष्ट्रपति। लेकिन राष्ट्रपति कोई कार्यकर्ता उड़ता नहीं, कार्यपालिका में आता जरूर है लेकिन कार्यकर्ता उड़ता नहीं है। तो राष्ट्रपति अपना कार्य खुद कर भी सकते या नीचे वाला से करवा भी सकते हैं, इसकी चर्चा अनुच्छेद 53 के 1 करता है। और अनुच्छेद 53 का 2 कहता है कि थल सेना, जल सेना, वायु सेना, तीनों सेना का प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति। और इसी में समझाए थे कि युद्ध के समाप्ति के साथ साथ युद्ध के स्टार्टिंग, क्या स्टार्टिंग का भी शुरुआत कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। मतलब राष्ट्रपति युद्ध के समाप्ति का घोषणा भी कर सकता है, और राष्ट्रपति युद्ध के समाप्ति के साथ साथ स्टार्टिंग का भी घोषणा कर सकता है कि आज युद्ध होगा, इसका घोषणा कौन करेगा? राष्ट्रपति। और आज युद्ध को समाप्त करना है, इसका भी घोषणा कौन करेगा? कोई दिक्कत? अनुच्छेद 54 पे आ जाए। अरे इतना तो पढ़ा दिए थे, 54 भी कुछ पढ़ा दिए थे। राष्ट्रपति के निर्वाचन की चर्चा किस में है? आर्टिकल 54 में। और आर्टिकल 54 पढ़ने से पहले थोड़ा सा एक बार इधर आइए। एक हम आपको पढ़ाए थे कि पूरा विश्व हो या विश्व के साथ साथ भारत हो, विश्व कहिए या भारत कहिए, इसमें निर्वाचन के मात्र 2 ही प्रणाली है। इधर वीडियो आ रहा है। इसमें निर्वाचन की मात्र 2 ही प्रणाली है,
एक का नाम है फर्स्ट पास्ट डी पोस्ट सिस्टम, एक के नाम क्या है फर्स्ट पास्ट डी पोस्ट सिस्टम, एक का नाम है फर्स्ट पास्ट डी पोस्ट सिस्टम और एक का नाम क्या है एकल संक्रमणीय पद्धति के आधार पे, क्या और एक का नाम क्या है एकल संक्रमणीय पद्धति, एकल संक्रमणीय पद्धति क्या मेरे भाई यही ना है। एकरा मतलब पूरा विश्व कहिए या भारत कहिए, पूरा विश्व में दो ही प्रकार से चुनाव होता है, या तो फर्स्ट पास्ट डी पोस्ट सिस्टम से होता है या एकल संक्रमणीय पद्धति के आधार पर होता है। उधर से पूरा वीडियो कैप्चर है ना, हो कोई दिक्कत नहीं ना है। हाँ लाइट आ रहा है, लाइट आने दीजिए फिर भाग जाएगा। तो फर्स्ट पास्ट डी पोस्ट सिस्टम, अब इसमें देखिए क्या होता है, इसमें जिसको ज़्यादा वोट आता है ना, इसमें ज़्यादा मत जिसको आता है तो ज़्यादा मत वाला को क्या घोषित कर दिया जाता है विजेता घोषित कर दिया जाता है। हाँ फर्स्ट पास्ट डी पोस्ट सिस्टम में क्या होता है कि जिसको ज़्यादा मत आएगा उसको विजेता घोषित कर दिया जाता है। जैसे आप देखे होइएगा कि आप बनाए 50 रन, कोनो बनाए 51 है, 51 रन वो जीत गया। उसी प्रकार से जब मेयर का चुनाव हुआ या मुखिया का चुनाव होता है या प्रधानमंत्री का चुनाव होता है या जितना भी चुनाव होता है या सब चुनाव में क्या होता है कि अगर एक भी वोट ज़्यादा आ गया, वोट को हिंदी में क्या कहते हैं मत, अगर एक भी मत ज़्यादा आ गया उसको विजेता घोषित कर दिया जाता है। तब फर्स्ट पास्ट डी पोस्ट सिस्टम में पूछेगा कि मेयर के चुनाव किससे होता है, तो इससे होता है, ज़्यादा मत आया विजेता घोषित कर दिया। तो फर्स्ट पास्ट डी पोस्ट सिस्टम, फर्स्ट मतलब पहला, पहले वाला से एक ज़्यादा आ गया, पहले वाला से एक ज़्यादा आ गया उसको क्या घोषित कर दिया जाएगा विजेता घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन उसमें ऐसे नहीं होता है, तो फिर उसमें कैसे होता है, तो सुनिए इसमें क्या होता है कुल मत का, इसमें कुल मत का और मैथ मत कैसा होना चाहिए वैध, वैध का मतलब बोकस नहीं होना चाहिए, टोटल मत का 50% से एक ज़्यादा। लफड़ा से समझिएगा, हमने क्या कहा कि फर्स्ट पास्ट डी पोस्ट सिस्टम में क्या होता है कि जिसको ज़्यादा मत मिला उसको विजेता घोषित कर देगा, फर्स्ट पास्ट डी पोस्ट सिस्टम में जिसको ज़्यादा मत मिला उसको विजेता घोषित कर देगा। लेकिन जो एकल संक्रमणीय पद्धति है इसमें क्या होता है कि जितना भी मत है उस मत का कम से कम 50% से एक ज़्यादा होना चाहिए। कहेगा मास्टर 2 ज़्यादा हुआ तब और ठीक है, 5 ज़्यादा हुआ तब और ठीक है क्या, लेकिन कम से कम कितना ज़्यादा होना चाहिए, एक ज़्यादा होना चाहिए। क्या मेरे भाई कोई तकलीफ, तो देखिए अगर मान लीजिए कि टोटल वोट है 100 गो, कुल मत का गो है 100 गो, आ ए को मान लीजिए मिल गया 50, बी के मान लीजिए मिल गया 30, सी के मान लीजिए मिल गया 10, डी को मिल गया 5 और ई को भी मिल गया 5, 50, 30, 80, 10, 90, 5, 5, 10, 100 हो गया। आप क्या कहिएगा सर जी कि ए वाला को तो विजेता घोषित कर दिया जाएगा, सबसे बेसी वोट आया है, नहीं करेगा, काहे नहीं करेगा, तो ऐसा वोट होता है फर्स्ट पास्ट डी पोस्ट सिस्टम में। लेकिन जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है, जो राष्ट्रपति का चुनाव भारत में होता है, देखिए हम बात ले कर देते हैं, पूरा विश्व या भारत में दो प्रकार के चुनाव होता है, अब भारत में जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है से ऐसे होता, ऐसे फिर से समझिएगा, पूरा विश्व या भारत में चुनाव दो प्रकार से होता है, एगो ऐसे न तो ऐसे, तो भारत में तो ऐसे भी हो रहा है और ऐसे भी हो रहा है, तो एकल संक्रमणीय पद्धति के आधार पर किसका चुनाव होता है, राष्ट्रपति का चुनाव होता है। एकल संक्रमणीय पद्धति के आधार पर किसका चुनाव होता है, राष्ट्रपति का।
तो राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय पद्धति के आधार का मतलब क्या है? तो जितना भी वोट है उसका 50% से एक ज़्यादा आएगा तो विजेता घोषित कर दिया जाएगा, और एक ज़्यादा नहीं आया विजेता घोषित नहीं कर। क्या टोटल 100 वोट का 50% तो 50 हो गया, और एगो वोट कम से कम ज़्यादा रहना चाहिए, एकरा क्या है, क्या विजेता घोषित होगा? नहीं होगा। और पता है इसमें क्या होता है, एक आदमी एक ही बार वोट डालता है, इसमें एक आदमी एक ही बार मतलब एक व्यक्ति एक ही बार वोट डालता है, एक व्यक्ति एक ही बार एक बार मत देता है, एक बार मत देता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि अगर कोई वोट देगा, अगर कोई मत देता है तो पांचों को देता है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास आ गया गुपचुप, चाट, चाउमीन, छोला भटूरा, तो हम ना कहते हैं चाट रहेगा ऊपर में, सबसे पसंदीदा चीज है। कोनो का लड़की से ना हमारा गुपचुप रहेगा ऊपर, हमारा गुपचुप बड़ा पसंद है क्या, ऐसा होता है कि ना होता है? तो उसी प्रकार से अहू में होता है, जिसको ज़्यादा पसंद करते हैं से ऊपर, और जगह कम पसंद करते से नीचे। लेकिन उस आदमी को वोट सभी को देना है, जैसे हमको वोट देना है तो पांचों व्यक्ति के देंगे। मान लीजिए हमारा पहलका वाला बेसी पसंद है तो ये ऊपर रहता, और दूसरा वाला कम पसंद है से नीचे। मतलब कि अपना हिसाब से अरेंज करना पड़ता है कि एक पर रखेगा, मान लीजिए ए बेसी पसंद है तो एक रख देगा एक पर, दो पर इसको, तीन पर एकरा, चार पर ओकरा, पांच पर ओकरा रख देगा। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा ये होता है, आप सोचा कि एगो आदमी एक के वोट ना पांचों के वोट देता है, जितना खड़ा सौ के वोट देगा, एगो पांचे को ना, अगर 20 खड़ा है तो 20 को वोट मिलेगा, दो खड़ा है तो दुए को वोट मिलेगा। लेकिन इस समय क्या होता है, एक आदमी एक ही आदमी को वोट दे सकता है। आप मान लीजिए हम चुनाव में कौन से कहें कि ना हम तो आई मुखिया के पहले वोट देंगे, एक नीचे रख देंगे, ऐसा ऐसा क्या होगा ना? एक बार टिपले बाहर निकल शांति से, क्या दूसरा टिपने का मौका नहीं है। एकरा क्या है, एगो ऊपर रखेगा, फिर नीचे, फिर नीचे, फिर नीचे, मतलब ये बेसी पसंद है आ ये कम पसंद है कि ना है, मतलब ये पसंद आ गया ये वाला कम पसंद, हाँ रैंकिंग के आधार पे। अरे गांव में ऐसे होता था, अच्छा ये वाला बेसी पसंद है ये वाला, एकरा नीचे रख एकरा, आ जब ये प्रपोजल ना स्वीकार करे तो एकरे पर लाइन मार देना है। तरे बउआ तो हम 11,000 के वोल्ट वाला हम काटियो देंगे क्या, हम लेके पीछे से चाकू से काटियो देंगे मेरे भाई। अरे हमारा लाइनों खराब हो जाता है इस चक्कर में, देख इधर है। इसका मतलब समझे कि ना समझे, कि मतलब पहला स्थान पर इसको रखना है, दूसरा स्थान पर इसको रखना, पहला पर इसको, दूसरा पर इसको, मतलब वह पांचों को वोट देगा, वो पांचों को वोट देगा। अरे वो पांचों को वोट देगा, इसमें एक आदमी एक ही को वोट देगा। हाँ ओकरा मन हुआ कि ना हमार बी ज्यादा पसंद है तो बी ऊपर ए नीचे, मतलब जो ज्यादा पसंद है से ऊपर, और जो कम पसंद है से नीचे, ओकरा सबसे कम पसंद है तो ओसे नीचे, ओसे नीचे, ओसे ऐसे करते करते डलाता है। आ मान लीजिए कि सबे के सब दिया है, बी वाला को दिया है सब अच्छा खासा, सब ए रखा है, मान सुन पहले सुन, मान लीजिए कि बी वाला को सब ऊपर में रखा ए पर, मतलब बी जीत गया, कब, जब 50% से ज्यादा आएगा तब। आ मान लीजिए सब ऊपर रखियो दिया, अब 50% को ज्यादा आईबो ना किया, वो जीता ना, फिर से मार चुनाव खींच के, क्या समझे कि ना समझे। लेकिन सबके सब रखा सी वाला को ऊपर, ओकरा आ गया 49 वोट आना चाहिए 51 वोट, क्या जीत गया ना, जीता आई में तो जीत जाएगा, आई में तो जीत जाएगा, आई में तो एगो बेसी होला झंडा लेके लहरा देते। मान लीजिए कि हमारा पसंद हो गया ए ऊपर रहेगा, अब बी ओकरा नीचे, आ ओकर नीचे हमारा पसंद है ई वाला, आ फिर पसंद है डी वाला, फिर पसंद है सी वाला, आ फिर दूसर को, अरे सुने पहले गौर से, आ दूसरों को पसंद है कि ए रहेगा ऊपर, आ मान लीजिए ई रहेगा ऐसे, ई रहेगा डी सी या बी ऐसे रहेगा, तो आई दोनों के हिसाब से तो ए ऊपर हो गया, तो ए जब ऊपर हो गया तो ए को तो राष्ट्रपति बना दिया जाए,
लेकिन मेरे भाई एगो नियम और ना कहता है कि टोटल वोट का आधा से एक ज़्यादा होना चाहिए। मान लीजिए टोटल वोट आ गया 500, तो 500 के आधा कितना हो गया 250, 250 से एक ज़्यादा, लेकिन एकरा पड़ा 240 वोट। इस सबके चॉइस में ऊपर होने के बावजूद भी मत नहीं जीता, वोट नहीं जीता, चुनाव नहीं जीता, कैसे? तो टोटल वोट अगर 500 है तो 500 के आधा 250 हो गया, और 250 से कम एक ज़्यादा होना चाहिए, एकरा है कितना 240। तो सबके चॉइस में ऊपर होने के बावजूद भी वोट अति विजेता घोषित नहीं होगा। आ ये में रहता कि 250 है मास्टर, तब तैयो ना होता हो। आ कहता जब 251 तो हाँ एकरा उठा कंधा पर आ घुरमा सब तर क्या, मतलब ये सबके चॉइस होने के बावजूद भी वोट नहीं जीते अति विजेता घोषित नहीं होगा। तो विजेता घोषित कब होगा? तो सबके चॉइस में ऊपर भी है। अब मान लीजिए कोनो चॉइस नहीं किया तो क्या हो गया उससे? क्या मान लीजिए एगो, मान लीजिए तीसारको आदमी आया आ एकर चॉइस है कि ना हमारा ऊपर में बी रहना चाहिए आ यहाँ पर ए आइस रहना चाहिए, तो क्या हो गया? खाली एकरा सबके चॉइस से मतलब ना है, सब चुना चाहे ना चुना, अगर एकरा वोट में सीधे 250 से ज़्यादा हो गया विजेता घोषित हो जाएगा, समझे? लेकिन एगो बात देखिए, आ एकरा वोट बेसी तबे आएगा जब सबको पसंद होगा। क्या अगर मान लीजिए एगो पसंद नहीं आया तो इससे क्या फर्क पड़ने वाला है? लेकिन क्राइटेरिया क्या कहता है कि जो आपको बेसी पसंद है उसको ऊपर रखिए। तो क्या सबको ए पसंद होगा? केकरो बीओ पसंद हो सकता है, केकरो सीओ पसंद हो सकता है। अब मान लीजिए केकरो सी पसंद है आ फिर रखा वो ए को नीचे, क्या सर जी तो टाई हो गया? टाई नहीं हुआ, भले ए दुए गो में ऊपर है, चार गो व्यक्ति वोट दिया और दुए गो में ए ऊपर है, लेकिन अगर ए को वोट आ गया 251 तो जीत गया, विजेता घोषित हो गया, समझे कि ना? सब अब भाग लेता हम बता रहे ना, भाग कौन लेता हम बता रहे भाग लेने वाला के। अभी इतना बात समझ में आया कि नहीं आया? हाँ अभी इतना बात समझ में आया कि नहीं आया? कोई तकलीफ? तो राष्ट्रपति का चुनाव क्या फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम से होगा? किससे होगा? एकल संक्रमणीय पद्धति में क्या होता है, जितना भी वोट है उसका आधा से एक ज़्यादा आना ही चाहिए। क्या हम लोगों में क्या होता है, सीधे को बेसी हो लाओ कंधा पर उठा के भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या अल्लागा से नचा जा घुरमावे क्या? लेकिन उन्हें घुरमाना नहीं है। और उसके बाद एक बात और समझिए ना, इसमें क्या होता है, एक आदमी एक ही बार वोट देता है और एक आदमी इसे पाँचों को वोट देता है, अंतर है कि ना है? आप देखिए राष्ट्रपति का निर्वाचन किसके आधार पर होता है, तो एकल संक्रमणीय पद्धति के आधार पर, एकल संक्रमणीय कैसे लिखते हैं, संक्रमणीय हो देखो सब बड़ी ना लिखा गया है, पद्धति को इंग्लिश से पता है क्या कहते हैं, सिस्टम कहते हैं। हे आप सुन, आप इसे भाग कौन कौन लेगा से, हाँ आप देखते कि इसे भाग कौन लेता है, कौन गुना करता है, सुनिएगा और सेठ बताइएगा। ऊपर में क्या होता है, संसद, और नीचे में क्या होता है, विधान मंडल। ऊपर वाला घर वो कहते हैं संसद, जो कि दिल्ली में है, अब विधानमंडल कहाँ है, पटना में, और हर एक राज्य के पास अपना विधानमंडल होता है, आप इधर संसद हो गया, इधर विधानमंडल हो गया। हे भगवान, तो नहीं होता वो पढ़ेंगे, अभी समझे होता है क्या, वरना समझ में नहीं कि फिर कहाँ कहाँ नहीं होता है क्या, हम अपने सब चीज़ बताएंगे, रुकिए ना, बर्दाश्त कीजिए ना। तो हमने क्या कहा कि देश में क्या होता है, संसद होता है ना, तो राज्य में क्या होता है, विधानमंडल, विधानमंडल। अब राज्य में तो विधान परिषद भी होता है क्या? अब देखिए इसमें होता है एक विधानसभा और एक होता है विधान परिषद, विधान परिषद।
आ इसमें क्या होता है लोकसभा और एक क्या होता है राज्यसभा, एक होता है राज्यसभा। एक होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा और इसमें होता है विधानसभा और विधान परिषद। उस दिन भी समझाए थे आपको कि वहाँ संसद होता है, संसद में लोकसभा और राज्यसभा और नीचे वाला जो घर राज्य में उसको कहते हैं विधानमंडल, तो में होता है एगो विधानसभा एगो विधान परिषद। केना ये घर है तो द जी एस अड्डा, इधर लड़का इधर लड़की, उस हो गया घर संसद आ एक और आदमी सब बैठा उसका नाम हो गया अति लोकसभा और एक और आदमी का नाम हो गया राज्यसभा। उसी प्रकार से राज्य में होता है विधानमंडल और उसमें एक और होता है विधानसभा और एक होता है विधान परिषद। अब सुनिए, लोकसभा या राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेगा राष्ट्रपति के निर्वाचन में, मनोनीत भाग नहीं लेगा। एकदम गौर से सुनिएगा, अगर हम राष्ट्रपति है और हम अपना से कुछ आदमी को चुन लिए हैं लोकसभा राज्यसभा विधानसभा विधान परिषद में, या हम राज्यपाल को चुन लिए, हमारा जब वोट में हम खड़ा होंगे तो जिसको चुने हैं ना सब हमारे वोट दे देगा क्या? अगर मान लीजिए कि हम वोट में खड़ा हो गए और हम अपने से चुने थे वार्ड वार्ड सबको हम चुन लिए थे, उसका वोट नहीं हुआ, उसको हम चुन लिए अपने से, हमारा बोला विधायक जाइए चाहे हमको बोला राज्यपाल की जाइए, आप अपना मन से अपना गांव में सबको चुन लीजिए कि कौन रहेगा मुखिया आ कौन रहेगा कौन चीज, हम सबको चुन लिए तो स्वाभाविक सी बात है कि अगला बार हम वोट में खड़ा होंगे तो सब हमरे वोट देगा ना देगा हो। तो इसीलिए लोकसभा हो या राज्यसभा हो के निर्वाचित मतलब जिसको हम चुन के भेजे हैं ना से जाएगा वोट में, लेकिन जिसको राष्ट्रपति अपने से चुन ले से वोट में भाग नहीं लेगा, उसको मनोनीत कहते हैं। मतलब कि जिसको ऐसे हम प्रधानमंत्री को भेजे क्या, अरे हम यहाँ से प्रधानमंत्री का मुख्यमंत्री का चुनाव होता है कि नहीं होता है, हम सब वोट देते हैं कि नहीं देते हैं, तो चुनाव हो के गया है तो जिसको हम लोग वोट दे के यहाँ से भेजे हैं उसको निर्वाचित कहते हैं और जिसको राष्ट्रपति अपने से चुन लिया ओकरा मनोनीत कहते हैं। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा हो या राज्यसभा हो तो लोकसभा और राज्यसभा कहाँ होगा, केंद्र में। केंद्र कहाँ है, दिल्ली में। दिल्ली में संसद है कि ना है, संसद भवन लोकसभा होगा कि नहीं होगा, राज्यसभा होगा कि नहीं होगा। तो लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित भाग लेगा कि मनोनीत भाग लेगा, निर्वाचित भाग लेगा, मनोनीत भाग कोई दिक्कत। अब देखिए आप तो नीचे उतर जाते हैं, विधानसभा कहाँ होगा राज्य में, तो राज्य जितना भी राज्य में विधानसभा है सभी राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेगा, मनोनीत भाग नहीं। अरे मनोनीत के जब बारी आएगा तो वो तो राष्ट्रपति खुदे चुना हुआ है, कैसे, तो राष्ट्रपति चुनता है लोकसभा और राज्यसभा में और अति राज्य में चुनता है राज्यपाल और राज्यपाल को चुनता है राष्ट्रपति। मान लीजिए कि हम राष्ट्रपति है तो हम राज्यपाल को चुन दिए और राज्यपाल चुना है राज्य में जाके विधानसभा में क्या, तो जब राष्ट्रपति के चुनाव आएगा तो राज्यपाल ना करे ओकरे वोट दिया ही दोसर देव काट देव क्या, या अगला बार से तुरा न चुन डरे वोट दे ओकरा क्या, एकरा मतलब कि राज्यपाल भी नहीं जाएगा और प्लस में जो विधानसभा है ना, विधानसभा मतलब पार्टी, एक और जो पार्टी सब बैठते इसको जिसका निर्वाचन होता है उस सब का मनोनीत भाग नहीं लेगा, निर्वाचित भाग लेगा। तो बच गया विधान परिषद, तब विधान परिषद सभी राज्य में हो ये ना है, मात्र 6 राज्य में विधान परिषद है आ राज्य तो 28 है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है, तो 28 राज्य में विधान परिषद हो ये न है। तो जब 28 राज्य में विधान परिषद न है तो विधान परिषद 6 राज्य में है ये है, तो 6 राज्य के विधान परिषद के मनोनीत हो चाहे निर्वाचित तो भागे नहीं लेगा, क्लास सब राज्य में है ये ना। तो फिर से समझिए, लोकसभा
राज्यसभा कहाँ होगा? दिल्ली में। संसद भवन कहाँ है? दिल्ली में। तो लोकसभा और राज्यसभा के मनोनीत भाग लेगा? ना 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 ना, निर्वाचित भाग लेगा, मनोनीत भाग नहीं लेगा। अब आइए विधानसभा। तो विधानसभा के निर्वाचित भाग लेगा और मनोनीत भाग नहीं लेगा। लेकिन विधान परिषद फिर कहाँ होगा? राज्य में है क्या? सीधे समझिए ना, राज्य में, पटना में, जैसे झारखंड में जाइएगा, रांची में, तो एगो घर होगा, वही घर के नाम हो गया विधान मंडल। उसमें दो रंग के आदमी बैठता होगा, एगो विधान मंडल के आदमी अलग है, विधान परिषद के आदमी अलग है। क्या लड़का अलग, लड़की अलग है, ओनाहते बैठता सब अलग अलग। जैसे राष्ट्रपति अति उपराष्ट्रपति के जो पार्टी होता है ना, तो ओकरा हम लोग कहते हैं राज्यसभा। जो प्रधानमंत्री के पार्टी होता है ओकरा कहते हैं लोकसभा। तो एकर पार्टी लोकसभा, ओकर पार्टी राज्यसभा। तो ऐसा ही पर ही होता है, एगो पार्टी एन ए, एगो पार्टी एन ए। तो लोकसभा और राज्यसभा तो पूरा राज्य के लिए है क्या? है कि ना है? लोकसभा और राज्यसभा पूरा देश के लिए ना है। तो इसमें लफड़ा होगा नहीं, तो इसमें क्या है? तो इसका निर्वाचित सदस्य भाग लेगा, इसका निर्वाचित भाग लेगा और मनोनीत भाग नहीं। इसका निर्वाचित भाग लेगा लेकिन मनोनीत भाग नहीं लेगा। अब देखिए, विधानसभा के निर्वाचित भाग लेगा और विधानसभा के मनोनीत भाग, हे भगवान, ना समझ में आ रहा है। लेकिन विधान परिषद कई गो राज्य में है? क्या 2800 राज्य विधान परिषद है? तो जब 2800 राज्य में विधान परिषद नहीं है, तो विधान परिषद के भले निर्वाचित हो या मनोनीत हो, कोई भाग नहीं लेगा। अब समझे कि ना समझे? आ वही में अगर 2800 राज्य में रहता तो निर्वाचित भाग लेता आ मनोनीत भाग नहीं लेता। लेकिन 28 राज्य में तो है ये ना है, तो न निर्वाचित भाग लेगा और न मनोनीत भाग लेगा। यहाँ तक समझे? तो क्या क्या समझ में आया? कि लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेगा, मनोनीत भाग नहीं। विधानसभा के निर्वाचित भाग लेगा, मनोनीत भाग नहीं। लेकिन विधान परिषद कई गो राज्य में है? 6 गो राज्य में। तब बाकी 22 राज्य टुकुर टुकुर देखते रहेगा, विद्रोह कर देगा ना हो। अही लगी विधान परिषद का जो सदस्य है वह मनोनीत हो चाहे निर्वाचित हो वह भाग। आप देखिए, दिल्ली में, जम्मू एंड कश्मीर में, ये एंड का निशानी है और एंड मतलब क्या होता है? और। हाँ, कते का नहीं पता रहता कहना पड़ता है, ये सही बात, ईमानदारी से नहीं पता रहता किसी आदमी, तो सीख लिए तो और कोई दिक्कत हुई ना क्या? तो दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पुदुचेरी, तो केंद्र शासित प्रदेश है कि ना है? आ केंद्र शासित प्रदेश हम ज्योग्राफी में पढ़ा रहे हैं अभी आप लोग क्या कि रे बउआ, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, पुदुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, ये सब के सब क्या है? चंडीगढ़, दादर, नगर हवेली, सब के सब क्या है? तो केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश है। और केंद्र शासित प्रदेश कै गो है? 8 गो। केंद्र शासित प्रदेश कै गो है? 8 गो। आ उसमें से कै गो की चर्चा कर रहे हैं? 3 गो। ये 3 गो में विधानसभा है, विधानसभा है, मतलब दिल्ली में, पुदुचेरी में और जम्मू एंड कश्मीर में विधानसभा है, मतलब इधर राज्य है ना, भले केंद्र शासित प्रदेश राज्य है लेकिन राज्य है कि ना है? तो इस राज्य में विधानसभा है, तो विधानसभा है, तो विधानसभा के निर्वाचित भाग लेगा और मनोनीत भाग नहीं लेगा। क्या हमने क्या कहा? कि दिल्ली में बैठल है संसद भवन है और उसमें एगो लोकसभा एगो राज्यसभा, तो लोकसभा राज्यसभा के तो निर्वाचित भाग लेगा क्योंकि संसद भवन 2800 राज्य के लिए है, 8 केंद्र शासित प्रदेश के लिए है, मैं तो कोई लफड़े ना है। अरे भाई, अरे वो तो पूरा दुनिया के लिए है ना, पूरा भारत के लिए है कि ना है? तो पूरा भारत में 28 गो राज्य और 8 गो केंद्र शासित प्रदेश के लिए लोकसभा और राज्यसभा है। तो लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित भाग लेगा, मनोनीत भाग नहीं लेगा। मनोनीत जिता देगा अलगे, खाली राष्ट्रपति वोट देते ना, हम समझा रहे अभी। और विधानमंडल, विधानसभा, विधान परिषद हो गया,
तो विधानसभा के निर्वाचित भाग लेगा और विधानसभा के मनोनीत भाग नहीं लेगा। उसके बाद क्या बचा? विधान परिषद। विधान परिषद मात्र 6 गो राज्य में है, सभी राज्य में तो है नहीं, अहिला की विधान परिषद के निर्वाचित तो भाग नहीं लेगा आ मनोनीतो भाग नहीं लेगा, कला सभी राज्य में है ये ना है। अब बात आया दिल्ली पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर में, क्या तो दिल्ली पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर में विधानसभा है, तो जब विधानसभा है तो निर्वाचित भाग लेगा, निर्वाचित भाग लेगा आ मनोनीत भाग नहीं लेगा, मनोनीत भाग नहीं लेगा। एकरा मतलब पांचों केंद्र शासित प्रदेश जो बच गया ओकर कोई भाग नहीं लेगा। क्या समझे कि ना समझे? एक बार और समझिए, बड़ा अजब तरीका का वोट चल रहा है राष्ट्रपति का। क्या हम लोगों में क्या सीधे वोट बेसी आ चाचा आ मार कंधा पे उठा सीधे घुरमा बनिया से चाचा जीत गए, चाचा जीत गए, चाची मिठाई बांटू क्या है? ऐसा होता है कि ना होता है? हाँ चाची के तरह छुए ना तो चाचा छू दे तोरो एक मार के चाची को छुए घुमाएं कि चाची डोंट, चाची का तो डोंट टच मी। समझे कि ना समझे? सीधे चाची निकालते घर में से हंसुआ रेत देता चाची सब खाली हंसुए देख लै छे वो कौन दिन हंसुआ से मारे जो पगड़िया हंसुआ कैंचिया हंसुआ सीधे काटल तो रेत रेत के मारत क्या चाकू तो सीधे मारा घब खत्म, लेकिन चाची सब दौड़ा दौड़ा के मारत काट कर के आ फिर निकलत अगला दिन चाची बनल ज्वाला फिर वो अगला दिन तो चाची बनल दुर्गा माई फिर अगला प्रभात खाना तो चाची बनल काली माई ऐसे सब फोटो सब तो समझे कि ना समझे? तो हाँ तो विश्व में या भारत में फर्स्ट पास्ट डी पोस्ट सिस्टम और एगो एकल संक्रमणीय पद्धति। फर्स्ट पास्ट डी पोस्ट सिस्टम में जिसका ज़्यादा मत उसको घोषित कर देगा, क्या उसमें ऐसा होता है? टोटल के 50% से एक ज़्यादा आना चाहिए और उसमें सभी को ना वोट देगा हो। दूसरा देश की पता हमारा न है, खाली अपने देश से पता है, हमारा औरों देश के पता है इस बात के न है। आ उसके बाद क्या एगो को वोट देगा? वो पांचों को ना वोट देगा, लेकिन इसमें क्या वोट देगा? एगो। अब भाग कौन कौन लेता है? तो लोकसभा और राज्यसभा कहाँ है? दिल्ली में संसद भवन में है ना लोकसभा राज्यसभा, तो लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित लेगा कि मनोनीत लेगा? मनोनीत भाग। अब आइए कहाँ? राज्य में। राज्य में विधानसभा और विधान परिषद, विधानसभा के निर्वाचित भाग लेगा मनोनीत भाग नहीं लेगा। क्या सभी राज्य विधान परिषद है? कई गो राज्य में? तो विधान परिषद के निर्वाचित हो चाहे मनोनीत हो कोनो भाग नहीं लेगा। अब आइए कहाँ? जम्मू कश्मीर में, मतलब केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली जम्मू कश्मीर पुदुचेरी, इसमें विधानसभा है। जब विधानसभा है तो निर्वाचित भाग मनोनीत भाग बाकी जो बच गया केंद्र शासित प्रदेश ओकर कोनो भाग नहीं लेगा। समझे कि ना समझे? तो यही था आर्टिकल क्या 54 और आर्टिकल 54 में किसकी चर्चा है? निर्वाचन का। आर्टिकल 54 में किसकी चर्चा है? निर्वाचन। और हमको लगता है कि आपको राष्ट्रपति का निर्वाचन अच्छा से समझ में आ गया होगा। क्या राष्ट्रपति का निर्वाचन फर्स्ट पार्टी पोस्ट सिस्टम से होता होगा? कौन सिस्टम से? एकल संक्रमणीय पद्धति। कौन कौन भाग लेगा? तो लोकसभा राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भाग, विधानसभा के मनोनीत, आ विधान परिषद का कोनो भाग कि सभी राज्य में, आ दिल्ली पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर विधानसभा है, तो विधानसभा है तो निर्वाचित भाग आ मनोनीत भाग। आ बड़ा अच्छा अच्छा क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि राष्ट्रपति चुनाव कौन भाग लेगा कौन भाग नहीं लेगा, कोई तकलीफ हुआ? समझ में आ गया ना? तो अब हम लोग आर्टिकल 55 से तो आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि इतना हम लोग पढ़ा दिए थे और इतना आपका रिवीजन भी हो गया, सबके सब दिमाग में आ ही गया होगा। तो हम लोग कल से बढ़ेंगे आर्टिकल 55-56 सब करके। अरे फास्ट ना पढ़ाएंगे, कुछ कर लीजिए, फास्ट नहीं होगा, और से स्लो हो सकता है लेकिन फास्ट नहीं होगा।
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई तकलीफ नहीं ना हो रहा है? आ यही फास्ट अपराध व्रत बहुत का तकलीफ हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है मेरे भाई।